नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अब सियासत तेजी से आगे बढ़ने लगी है। पहले एक समय था जब कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं के बाद राजस्थान की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, जिसमें सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, वसुंधरा गुट, सतीश पूनिया गुट ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। लेकिन अब बात करें तो अब सियासत आगे बढ़ने लगी है क्योंकि सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 2.5 साल बाद राजस्थान में फिर से चुनाव है। अभी हाल ही में उपचुनाव का माहौल बना था। अब ऐसे में कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि काफी कुछ नया होना है। अब क्या कुछ नया होना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि बीच में कोरोना काल था, उसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई, अब फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और एक्शन भी ऐसा कि लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सभाएं एक एक दिन में कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर एक बात कही जाती है कि वो 24 घंटे काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं। उम्र की बात करें तो इस उम्र में भी इतना जो काम करते हैं उसको लेकर भी कई बार बातें की गई हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि फिर से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी कुछ काफ़ी कुछ नया देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अभी तो वार्म अप है, तो वार्म अप के बाद आगे जो उनकी कुछ जो रणनीति रहने वाली है राजनीति में, उसको लेकर कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी छोटी छोटी यात्राएं शुरू की गई हैं, जिस तरह से अभी दूर दूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं, अब गाँव ढाड़ियों तक भी वो दोबारा से उसी पहुंच को बनाने के लिए, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से एक कह सकते हैं कि वर्चुअली ज़्यादा हो गया था सब कुछ, तो जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक है वो ग्रामीण तबका है। अब ऐसे में दोबारा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांव-गांव जाएंगे और यात्राओं की कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं राजस्थान की। और अब आने वाले समय में एक श्रेणी के हिसाब से ये चलेगा, क्योंकि सबसे पहले कहा जा रहा है कि बड़ी जो दूर दूर की जगह हैं वहाँ, और बड़ी बड़ी जगह हैं वहाँ जाया जाएगा। और जिस तरह अभी चर्चाएं हैं कि दीपावली जोधपुर में मनाई जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत काफ़ी लंबे समय से जोधपुर नहीं गए थे, तो वहाँ की जो जनता है उनसे अलग तरह का स्नेह है उनका, तो उसके लिए भी वो वहाँ जा सकते हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री गहलोत हो सकता है कि राजस्थान में आपके गांव में भी पहुंचे और आपसे भी मुलाकात करें। चलिए, ये तो हो गई मुख्यमंत्री गहलोत की बात। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट भी इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर उन्हें कई जिम्मेदारी सौंपी गई हैं जिनको वो कह सकते हैं कि वहन कर रहे हैं, और उन पर लगातार राजस्थान से बाहर वो हैं, दौरे चल रहे हैं राजस्थान से बाहर के, कभी महाराष्ट्र का है तो कभी मध्य प्रदेश का है, अलग अलग दौरों पे सचिन पायलट बने हुए हैं। वसुंधरा राजे अभी हाल ही में एक दौरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई, क्योंकि जोधपुर का था। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वो घर गई थी, क्योंकि उनकी माताजी का निधन हो गया था। लेकिन उस दौरान चर्चाएं ये हुई कि जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन महारानी की तरफ से किया गया, उसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं, या फिर कहीं बीजेपी के कई नेता वसुंधरा राजे की तरफ एक तीखी निगाहों से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि धीरे धीरे अब वसुंधरा राजे भी एक्टिव मोड में आ रही हैं। सतीश पूनिया की बात करें, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार कह सकते हैं कि सक्रिय रहे हैं, लगातार यात्राओं में रहे हैं, एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है, और यही कारण है कि और लोग छटकते जा रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी शिकायत है कि सतीश पूनिया किसी को तवज्जो नहीं देते, और इसी कारण बीजेपी में कई गुट बन गए हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति अब आगे बढ़ रही है, नए चरण आ रहे हैं, नई रणनीतियां आ रही हैं। अब देखना होगा कि जो जनता है उसको ये रणनीतियां कितनी भाती हैं, और जनता जो लगातार मांग करती है उसकी कितनी मांग पूरी हो पाती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।